सुधांशु जी, राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात कही कि कुकर में आप पकौड़े के लिए आलू उबालिए और उस गैस से उबालिए जो प्रधानमंत्री जी पूरे देश के नौजवानों को देना चाहते हैं। दूसरी बात, मेरे मित्र, मैं जहां रहता हूं वसुंधरा एक जगह है गाजियाबाद में, उसके सामने इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके सामने एक सीएल कंपनी है जो नवरत्ना कंपनी हुआ करती थी, उसको आपने बंद करने के कगार पे ला दिया। और एक उद्योगपति के कहे तो नाम खोल के बता दो उद्योगपति का, उद्योगपति के पैनल पूरे देश में आप बेच रहे हैं, पूरे देश में आप लगाने का काम कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। 2.5 लाख करोड़ रुपए आप उद्योगपतियों को माफ करते, किसानों का ऋण नहीं माफ करते, कामदार और नामदार की बहस करते हो ना। तो दो लाइन सुना देता हूं आपको बहुत स्पष्ट, कामदार काम लगावे किसान रोता जावे, कामदार फिर भी कूल, कामदार काम लगावे नौजवान बेरोजगार होता जावे, कामदार फिर भी कूल, कामदार काम लगावे महिलाओं का बलात्कार बढ़ता जावे, कामदार फिर भी कूल, कामदार काम लगावे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जावे, कामदार फिर भी कूल, कामदार काम लगावे नीरव मोदी और मेहुल चौकसी भागे जामे, कामदार फिर भी कूल, कामदार काम लगावे राफेल में कमीशन कावे, कामदार भागीदार बन जावे। कामदार अब भागीदार बन चुके हैं नीरव मोदी के साथ, मेहुल चौकसी के साथ, और निश्चित रूप से राफेल डील में जो 41,000 करोड़ रुपए का घोटाला आपने किया है, जनता हिसाब मांगेगी, जनता के खजाने से पैसा चोरी हुआ है और चौकीदार सो रहा है, जो चिंता का विषय। सुधांशु जी, अब भाई इस जंग की बात अगर आप कह रहे हैं तो राजीव जी, मैं भी बताना चाहता हूं, आपका नेता आज 3 चढ़ाकर संसद में बुलावे और उसी शाम को फ्रांस की सरकार उसको झुटलावे, उसके बाद वो बगले झांकते देखता नजर आवे। सुधांशु जी, इंडिया टुडे आज तक की रिपोर्ट है मेरे पास में, उनके ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूं, इंटरव्यू देते हुए निश्चित रूप से फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि प्राइस को, अरे इंडिया टुडे का स्टेटमेंट बड़ा है, आज तक की रिपोर्ट की सरकार का वक्तव्य फ्रेंड, ये आज तक की रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अरे भाई, आप तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट छोटी चीज है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है, राहुल गांधी जी ने प्राइस बता सकते हैं क्या प्राइस है, सुबह व्यक्तिगत चर्चा में बात की और जब फ्रांस की सरकार ने खंडन कर दिया तो मेरे विचार से अब किसी इंटरव्यू का मतलब नहीं रहता। और रही बात राफेल विमान की कीमत है जो जवाब ले ले, जवाब वो दे दे, एक बार जवाब दे दीजिए सुधांशु जी, चौकीदार क्यों बना भागीदार, एक जवाब दे दीजिए सुधांशु जी, उसके बाद मैं बताता हूं, बताता हूं मेरे सरकार, सुन लीजिए जरा मेरा भी जवाब, 41 अब मैं जवाब देता हूं, सुनिए बताएं एक बात, कामदार क्यों भागीदार बन जा रहे हैं, इसकी सरकार का आधिकारिक वक्तव्य। अरे भैया मुझे बोलने दीजिए ना, राजीव जी अपने अपने टर्न पे बोलिए, अपने अपने टर्न। देखिए, जब फ्रांस की सरकार का जवाब आ गया, भ्रष्टाचार उसके बाद भी अगर किसी पत्रिका में छपे इंटरव्यू का भरोसा है तो मैं चुनौती देता हूं राजीव त्यागी जी, स्विट्जरलैंड की पत्रिका स्वाजमेस्टेट जिसने ये कहा है कि 1.3 भागीदार बन गए स्विस फ्रैंक का, 1.3 बिलियन स्विस फ्रैंक का स्विट्जरलैंड में अकाउंट है जिस पर राजीव गांधी जी की फोटो लगाई है। एक्शन क्यों लेते हो माय डियर फ्रेंड, बताइए जवाब दीजिए ना, एक्शन लीजिए, एक्शन क्यों एक्शन नहीं लेते हो, आपने चुनौती देंगे उसको बैठ करके मिसाइल छोड़ोगे और वो मिसाइल फूट हो जाएगी, पत्र पत्र एक बार काट की हांडी चढ़ती है दोबारा काट की हांडी नहीं चढ़ती है, माय डियर फ्रेंड 2014 में चढ़ चुकी काट की हांडी, झूठ की का झूठ की हांडी नहीं चढ़ती है, राजीव जी, राजीव जी प्लीज सर, प्लीज आप स्टूडियो में बैठे इसका एडवांटेज मत लीजिए, उनको अपनी बात जवाब देने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, उसके बाद आप चारों के पास। अरे भैया इतनी देर से आप बोल रहे हैं, मुझे भी तो जवाब देने दीजिए, जवाब दीजिए। मैंने एक बात कह रहा था कि फ्रांस की सरकार के आधिकारिक वक्तव्य के बाद यदि पत्र पत्रिका में छपा हुआ है तो मैंने पत्रिका का नाम बता दिया, स्वाइजर्स इलस्ट्रेटे स्विट्जरलैंड की पत्रिका जिसने बाकायदा कितने बिलियन स्विस बैंक है राजीव गांधी जी के खाते के नाम के साथ फोटो छाप के छापा, क्यों नहीं आप उस पर कार्रवाई करते, और अगर छपी छपाई बात पे कहेंगे तो केजीबी की फॉर्मर चीफ ने किताब लिखी स्टेट विद इन स्टेट और रिटन बाय येवलिना एल्बर्टस, उन्होंने तो श्रीमती सोनिया गांधी जी को CIA का एजेंट तक बोल दिया। छपी छपाई बात नहीं, सरकार के आधिकारिक वक्तव्य की बात करिए, छपी छपाई में जाएंगे तो बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं इंडिया जब एक बार सरकार ने जवाब दे दिया, पास की सरकार है उसके बाद कुछ बोलने का मुंह नहीं रह गया तो उससे पहले के वक्तव्यों पे जवाब दे रहे हैं तो जवाब बाकी चीजों पर भी दीजिए। फ्रांस के राष्ट्रपति महोदय ने उसमें बहुत स्पष्ट कहा था सुधांशु, अरे भैया फ्रांस के राष्ट्रपति महोदय का बयान के बाद ऑफिशियल बयान आ गया है,
45 करोड़ रुपए, 41 हजार करोड़ रुपए, 45 हजार 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 हजार करोड़ रुपए
कहां गए? वो पैसा भारतीय जनता पार्टी का कोष नहीं था सुधांशु जी, वो पैसा निश्चित रूप से निश्चित रूप से देश के कर रहे आवाम का पैसा था, देश के किसानों का पैसा था, देश के जवानों का पैसा था, देश की महिलाओं का पैसा था, इटालियन कोर्ट में गाइडो हेरिटेज के बयान से और वोट का मुद्दा आपके वित्त मंत्री बीपी सिंह ने उठाना था। अब आप जवाब दीजिए इस बात का, हम आपकी तरह हवाई जहाज के मामले में हवाई जहाज नहीं लगाते। कहां है नरेंद्र मोदी बताइए? अरे भैया, जब फ्रांस की सरकार के बयान के बाद भूख की खा गए हैं, बताइए।